हेलो दोस्तों, तो आज के फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हम आप दिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं एंड उनकी यूटिलाइजेशन इन योर आंसर्स भी हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हम आज की न्यूज़ की बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ऑन नॉन पर्सनल डेटा, कि नॉन पर्सनल डेटा क्या होता है और सरकार इन्हें किन डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करती है, राइट, इस चीज़ की बात है। ऑल्सो चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे इसके में जो कॉन्टेक्स्ट है आज की, इंडिया अब इन्वॉल्व नहीं है इन अ पर्टिकुलर रेलवे लाइन, क्या डिस्कशन है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। देन अगर आपने न्यूज़ सुनी हो तो गूगल ने रिलायंस के साथ इन्वेस्टमेंट की है आज, राइट, एंड ऑल्सो गूगल इज़ ट्राइंग टू इन्वेस्ट मोर इज़ वेल, राइट। तो क्यों गूगल इन्वेस्ट कर रहा है, क्यों बाकी कंपनीज भी सडनली इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, या इनकी स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। देन चाइना इंडिया पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, पर टुडे देयर इज अ स्पेसिफिक आर्टिकल जो कि चाइना के पर्सपेक्टिव से दो स्कूल्स ऑफ थॉट बताता है कि दोनों स्कूल्स ऑफ थॉट चाइना और इंडिया की पॉलिसी के बारे में क्या बात करते हैं। नाउ देयर इज वन मोर न्यूज़, नेपाल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था पिछले दिनों कि नेपाल ने अपने मैप में कुछ चेंजेस कर लिए हैं। नाउ दिस आर्टिकल इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेपाल, कि नेपाल ने ऐसे चेंजेस क्यों किए, ऐसा क्या हुआ कि नेपाल को ये स्टेप्स लेने पड़े, और क्या इसमें कोई चाइना का एंगल है या नहीं है, और नेपाल इंडिया से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। देन देयर वाज दिस आर्टिकल अबाउट दिस पर्टिकुलर टेंपल, जिसकी भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है, ऐसा डेटा, ऐसा आपका डेटा जिससे ना आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, राइट, ना आपके बारे में कुछ भी डेटा पता लग सकता है, दैट इज़ योर नॉन पर्सनल डेटा, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट कमेटी एक हायर हुई है, राइट, और वो कह रहे हैं कि ये जो नॉन पर्सनल डेटा है, ये आप डोमेस्टिक कंपनीज को यूज़ करने के अलाउ कीजिए। कैसे अलाउ कीजिए, व्हाट विल बी द पैरामीटर्स, इसके बारे में लेकिन कोई डिस्कशंस नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या वो कह रहे हैं कि इसमें फ़िलहाल ये पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में इस पर्टिकुलर कमेटी के सजेशंस हैं, एंड दे वांट यू टू टेल देम कि आपको क्या लगता है किया जाना चाहिए या नहीं। एंड वन मोर थिंग दैट दे टॉकिंग अबाउट इज़ एक न्यू अथॉरिटी बनाने की बात है, जो इस पूरे डेटा को किस तरह से हैंडल करेंगे, इसके यूजेजेस क्या होंगे, उसको ओवरसी करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए सरकार ने आपके नॉन पर्सनल डेटा को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है आपका पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा, एक है आपका कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा, एक है आपका प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा। पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा क्या है, जो पब्लिक डेटा है, फॉर एग्जांपल आपके सेंसस के बारे में या आपकी टैक्सेस के बारे में, इसको पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा कहा जाता है। देन कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा क्या होगा, वो डेटा जो कम्युनिटी लेवल पे इकट्ठा हुआ है, राइट, मान लीजिए कम्युनिटी लेवल पे जैसे लोग जो एक ही ज्योग्राफिकल रिलीजन में रहते हैं, ऐसे लोग जो कि एक ही तरह की जॉब्स में है, इसको कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा कहा जाएगा। एंड ऑब्वियसली प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा क्या होगा, जो किसी प्राइवेट सोर्स से, फॉर एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर से शायद मिला है। तो गवर्नमेंट कमेटी क्या कह रही है कि इन तीनों तरह के नॉन पर्सनल डेटा को आपको अलाउ करना चाहिए कि ये डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं इनको यूज़ कर सके, ठीक है। अब वर्ल्ड में क्या हो रहा है नॉन पर्सनल डेटा के लिए, उसका एक एग्जांपल दे रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में रिसेंटली एक फ्रेमवर्क की बात है कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो ऐसे नॉन पर्सनल डेटा की, राइट, उसमें जो है जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं ईयू की, वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कोई डेफिनेशन नहीं है कि नॉन पर्सनल डेटा क्या है। इसके कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया वाली कमेटी है, उनके पास एक एडिट एडवांटेज है कि उन्होंने एग्जैक्टली डिफाइन किया है कि नॉन पर्सनल डेटा किसे कहा जाता है। तो द डेफिनेशन पार्ट ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें दिक्कत क्या है, नॉन पर्सनल डेटा में हो सकता है किसी के ट्रेड सीक्रेट्स आ जाएँ, या किसी के कोई प्राइवेसी कंसर्न्स हों, तो उनको कैसे अडहेयर किया जाएगा, क्या इसका कोई मेकैनिज्म होगा, इसकी अभी तक ये जो ड्राफ्ट है ये बात नहीं कर रहा है। इस ड्राफ्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को मिस कर दिया है कि इसके रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स क्या होंगे, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर कमिटी को पूरे के पूरे डेटा ट्रस्टीज को या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनमें, उन सभी के रोल जो हैं वो क्लैरिटी से डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया ईरान टाइज की बात हो रही है। सबसे पहले तो ना समझते हैं कि ये चाबहार पोर्ट है कहाँ। अगर आप देखो इंडिया के बाद पाकिस्तान है, देयर इज ग्वादर पोर्ट, देन देयर इज चाबहार पोर्ट, ठीक है। अब जब इंडिया को चाबहार पोर्ट का कहीं ना कहीं एक्सेस दिया गया, तो एक रेल लाइन भी डेवलप करने की बात हुई थी,
ठीक है। तो ये जो रेल लाइन डेवलप करने की बात हुई है, इससे अब इंडिया को कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। तो इसको अगर हम समझें तो सिग्निफिकेंस क्या है चाबहार पोर्ट की, देखो बहुत सिंपल है कि एक तो वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, वेस्टर्न रीजन के लिए, वेस्टर्न साइड पे, मान लीजिए अगर आप मान लीजिए कि ये इंडिया है तो वेस्टर्न साइड पे था यहाँ पे चाबहार, तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट का एक्सेस मिल जाता है। अब अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इंडिया के बाद देयर वाज पाकिस्तान एंड देयर वाज अफगानिस्तान, यानी कि अगर इंडिया को अफगानिस्तान तक जाना है और पाकिस्तान बीच में रूट ना दे तो अफगानिस्तान पहुंचने के लिए ये एक आपको एक्स्ट्रा रूट दे रहा था। ऑल्सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो अगर इंडिया चाहे तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के बाद जो रशिया वाले रीजन्स हैं वहाँ भी सामान भेज सकता है, इट डजेंट हैव टू गो वाया पाकिस्तान। तो कहीं ना कहीं बहुत ही रूट एक्सेस दे रहा है इंडिया को, राइट। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिया की रीच टू रशिया एंड सेंट्रल एशिया बढ़ जाती है। सेंट्रल एशिया में कौन से रीजन है, कजाकिस्तान वगैरह वाले रीजन्स। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि इंडिया को बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी एनहेंसमेंट मिल रहा है, ठीक है। पर इसमें भी कुछ दिक्कतें थी, फॉर एग्जांपल इसके अलावा कि इन जनरल इंडिया को कनेक्टिविटी रूस मिल रही है, जहाँ मैंने पाकिस्तान एंगल की बात की कि इनिशियली पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया इंडिया जो भी अफगानिस्तान को एड कर रहा था, अब इंडिया कैसे सामान भेजेगा। उस समय चाबहार ने हेल्प किया कि चाबहार ने इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव रूट दिया कि आप अफगानिस्तान तक सामान पहुँच पाए। उस समय क्या हुआ, अब फॉर वन टाइम इंडिया को ऐसा कुछ एसोसिएशन मिल गया तो उस समय इंडिया ने फास्ट ट्रैक कर दिया पूरा का पूरा प्लान, और उन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट के साथ और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ मिलकर पूरा अग्रीमेंट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ईरान के साथ क्या बात हुई, ईरान इंडिया को 10 साल की लीज ग्रांट की गई, ठीक है, कि आप चाबहार पोर्ट के कुछ टर्मिनल्स पे काम कर सकते हैं। ऑल्सो एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि कहीं ना कहीं एक रेल लाइन को भी डेवलप किया जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्ट रीजन्स बताऊँ, फ्रॉम चाबहार टू जाहिदान, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स, ठीक है। तो रेल लाइन प्लस सम टर्मिनल्स ऑफ द पोर्ट, उनको डेवलप करने की बात हुई, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रेल लाइन थी इस पर कभी काम बहुत ज़्यादा हुआ ही नहीं, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। एक तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट जो है ईरान की साइड से परपेचुअली वो इसमें चेंजेस करते गए। अब ईरान अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस कर ले, पैरेलली इंडिया भी अपने रिस्पॉन्स डिले कर रहा था, तो इस वजह से क्या हुआ, ये पूरा रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट जो है डिले पे डिले होता गया। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वॉज अमेरिका का मुद्दा। अगर आपको ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में कुछ पता है तो अमेरिका ने एक पॉइंट पे इस ईरान न्यूक्लियर डील से अपने आप को अलग कर लिया था, राइट। इवेंचुअली कई सैंक्शंस भी लगाए गए, राइट। अगर आपको कार्ट्सा लॉ के बारे में पता है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सर्टन सैंक्शंस, तो वहां पे भी ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाने की हमेशा ही बात हुई है, ठीक है। इफ यू हैवंट रीड अबाउट इट, गो बैक एंड रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर लॉ। मैंने कई बार इसको प्रीक्योर में भी डिस्कस किया है, आई होप यू नो अबाउट दिस। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की हमेशा ही कुछ सैंक्शंस रही हैं ईरान पे। तो क्या हुआ, अब इंडिया जो है अमेरिका को की तरफ कहीं ना कहीं हो रहा है, तो इसलिए ईरान की हेल्प करने से कहीं ना कहीं इंडिया जो है रिलक्टेंट रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अमेरिकन पेनल्टीज हैं इसके बारे में सोच सोच के इंडिया ने भी कहीं ना कहीं इस डील को डिले किया। हम ये नहीं कह सकते कि एब्सोल्युटली छोड़ दिया, बट दिस कुड हैव बीन अ रीजन कि इस डील को डिले किया गया है, ठीक है। इन द मीन टाइम अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने कह दिया भाई वी विल डू ऑल दीज थिंग्स ऑन आर ओन, हम इसको खुद से डेवलप करेंगे, ठीक है। अब इस पूरी सिचुएशन का टेक अवे क्या है, सबसे पहली चीज इंडिया के पर्सपेक्टिव से टेक अवे क्या है कि डेफिनेटली इंडिया पे कहीं ना कहीं यूएस का प्रेशर रहता है, और यूएस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलाय बन चुका है। क्योंकि यूएस बहुत इंपॉर्टेंट एलाय बन चुका है तो कहीं ना कहीं इंडिया इनको फेवर करने की कोशिश कर रहा है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, अगर हम इस पूरी सिचुएशन को इग्नोर भी कर दें तो देयर इज अनदर एग्जाम्पल विच टेल्स यू अबाउट द यूएस थिंग, कि इंडिया ने कैंसिल कर दिए थे ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम ईरान एट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, कहीं ना कहीं यूएस के प्रेशर में। बट इवन दो यूएस का जो भी ये प्रेशर था, इंडिया को इससे कहीं ना कहीं रिलीफ भी मिला हुआ था, बट अगेन वी कैन नॉट डिनाई कि यस देयर हैज बीन सम सॉर्ट ऑफ फेवर टुवर्ड्स द यूएस, ठीक है। अब इसमें ईरान और चाइना का एंगल भी है, ठीक है। चाइना के साथ रिसेंटली $400 बिलियन की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, जिसमें चाइना हेल्प करेगा इन मेकिंग ईरान का इंफ्रा कनेक्टिविटी एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर पैसे की वजह से भी नाउ ईरान इज मोर इंडिपेंडेंट टू मेक इट्स रेलवे लाइंस। लेकिन कहीं ना कहीं ईरान ने इस बात को नहीं माना, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, एक बहुत ही अच्छी लाइन दी हुई थी, कनेक्टिविटी इज सीन एज द न्यू करेंसी, द मोर यू आर कनेक्टेड द मोर यू हैव द रिसोर्सेज उतना ही आप आगे बढ़ते हो। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया को लॉस हुआ क्योंकि चाइना ने इन्वेस्ट कर दिया वहाँ पे, तो वो चाइना का गेन हो गया। तो ये चीज़ समझ
क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया। देन देयर इज दिस टॉक अबाउट इंडिया चाइना, ठीक है। मैं आपसे कह रही थी दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, उनकी हम बात करेंगे। इन जनरल अगर आप देखो ना, तो चाइना का हमेशा से मुद्दा कह रहे हैं वो प्री ऑक्यूपाइड रहा है अपने आप को कंपेयर करने में यूएसए से। मैंने कई बार कहा है चाइना चाइनीज सेंचुरी की तरफ जा रहा है रादर देन एशियन सेंचुरी, राइट। पर रिसेंटली जो ये एलएसी इशू हो गया है ना पूरा का पूरा, उसकी वजह से इंडिया चाइना रिलेशंस पे वापस ध्यान चला गया, वरना चाइना हमेशा ही यूएस के साथ कंपैरिजन में लगा रहा है। अब इंडिया और चाइना के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इसमें दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट पर पता क्या कहता है, वो कहता है इंडिया की जो इंडिया चाइना रिलेशंस है ना, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इनके कोई प्रॉस्पेक्ट्स ही नहीं है इन द करंट इंटरनेशनल सिचुएशन। वो कह रहे हैं जस्ट बिकॉज दोनों बाउंड्री शेयर करते हैं, जस्ट बिकॉज बहुत समय से डोकलाम इशू या कश्मीर के साथ बॉर्डर इशूज के मुद्दे चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा आना था और चाइना को हमेशा से ही एक लेसन टीच करना ही था इंडिया को, दैट इज़ वाई चाइना डिड दिस। वरना चाइना का बहुत ज़्यादा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है टुवर्ड्स इंडिया चाइना का थिंग इन इंटरनेशनल रिलेशंस, रादर इंडिया को तो इसका इस पर्टिकुलर बिहेवियर से अब जो है बहुत ज़्यादा फेवरेबिलिटी हो जानी चाहिए। रादर अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में कहूँ, इंडिया को अब आदि हो जाना चाहिए इस बिहेवियर का, क्योंकि इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ally बन रहा है यूएस का। तो anybody who's an ally of US, obviously China का ally नहीं बन सकता, इसलिए इंडिया को बिल्कुल आदि हो जाना चाहिए कि violent conflicts होते रहेंगे, ये जो trade issues हैं, import issues हैं, होते ही रहेंगे। This is supposed to be the new normal, ठीक है, यही norm है अब इंडिया चाइना के relation का। ये एक school of thought कहता है। लेकिन एक और school of thought है, वो कहता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ये हेल्प करेगा इंडिया और चाइना के रिलेशन को बिल्ड करने में। वो कह रहे हैं कि डेफिनेटली इंडिया इंटरनेशनल अरीना पे बहुत आगे जा रहा है, राइट, और जितने ऐसे मुद्दे आएंगे उससे रिलेशंस और बेटर होंगे। वो इसका एग्जांपल दे रहे हैं कि जब इंडिया चाइना की वॉर हुई, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसके बाद कितने समय तक पीस और स्टेबिलिटी रही। वो कह रहे हैं इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होते रहना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो स्कूल्स ऑफ थॉट की जो बात है, ये आपको पता होनी ज़रूरी है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि इंडिया को ना ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, चाहे जो सीपेक कॉरिडोर है आपका चाइना के साथ, चाहे जो रिसेंटली चाइना की इन्वेस्टमेंट है ग्वादर पोर्ट में, या फिर जो भूटान और तिब्बत इंडिया चाइना के जो मुद्दे चलते रहते हैं, ये चलते रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कुछ ना कुछ इश्यूज आपके चलते ही रहेंगे, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी पड़ेगी, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, तो द बेस्ट पार्ट इज कि यूएस एब्सोल्युटली इंडिया के साइड पे है, ठीक है। तो होगा क्या, मान लीजिए इवन इफ इंडिया चाइना के जो इश्यूज हैं, अगर यहाँ पे टाई हो जाए और कोई भी ना जीते, ये चाइना की विक्ट्री नहीं होगी, इंडिया की विक्ट्री होगी। क्यों? क्योंकि चाइना के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। स्टिल हु वन या स्टिल टाई किसकी वजह से हुआ, इंडिया की वजह से, एंड इंडिया के पास यूएस एज एन ally भी है। इसलिए चाइना को बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि इवन दो वो इंडिया को एक लेसन टीच करना चाहे, स्टिल अगर यूएस इंडिया का ally बन जाता है तो चाइना माइट लूज मोर देन इट वुड गेन इंडिया से कोई भी मुद्दा रख के, ठीक है जी, समझ में आया। चलिए अगले आर्टिकल पे आते हैं। बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, तो गूगल $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात करें, किस तरह की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कुछ इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, कुछ कुछ कंपनीज के साथ पार्टनरशिप्स करेंगे, ठीक है। बेसिक एजेंडा क्या है, डिजिटाइजेशन बढ़ाने की। तो वो कह रहे हैं कि हम किन एरियाज़ में करेंगे, डिजिटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेस टू इंटरनेट बढ़ाएंगे, ठीक है। इंडिया की हर चीज़ इंडियंस के लिए अपनी लैंग्वेज में आए, है ना, उसकी हम बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर को ज़्यादा डिजिटाइज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे, हम उन सभी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको डिजिटल एरा के बारे में कोई वे फॉरवर्ड लिखने को आ जाता है कि किन चीज़ों में इन्वेस्ट होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें आप वहाँ कोट कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल है जो कह रहा है कि ऑलरेडी गूगल ने इंटरनेट साथी में इन्वेस्ट कर रखा है। इंटरनेट साथी क्या है, वो अवेयरनेस फैलाता है इंटरनेट के बारे में विलेजेस में, और कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम भी है। तो इंटरनेट साथी आपको प्री के पर्सपेक्टिव से भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहे हैं कि सडनली बहुत सारी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करेंगी। कह रहे गूगल की बात थी, इस साल अमेजोन ने भी कहा वो इन्वेस्ट करेगी, रिसेंटली फेसबुक ने भी इन्वेस्ट किया। कह रहे हैं वो ऐसा क्यों हो रहा है, कह रहे हैं दो रीजंस हो सकते हैं। पहला तो इन जनरल, ठीक है, बिफोर दी LAC इशू भी हो सकता है ये चीज़ें थी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है यहाँ पे कि अब मान लीजिए चाइनीज कंपनीज इंडिया में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट अगर करेंगी भी, तो बहुत सारे उनको मुद्दे आ सकते हैं ना। देयर कुड बी अ लॉट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एब्सोल्युटली बैन हो चुकी हैं,
है. तो अब क्या होगा, अब पॉसिबिलिटी है कि जो अमेरिकन जायंट्स हैं वो इंडिया में अपनी पोजीशन जो है स्ट्रेंथन कर सके. तो कहीं ना कहीं चाइना के हटने की वजह से अमेरिकन जायंट्स को मौका मिला है कि अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर सके. तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन क्या है कि इंडिया वर्ल्ड फोरे पे इतना ज़्यादा राइज कर रहा है कि नाउ अमेरिका वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट इन टू इंडिया. ठीक है जी, याद रहेगा. चलिए नेपाल की बात करते हैं. दिस इज एन आर्टिकल जो नेपाल के परस्पेक्टिव से है कि वाई दे हैड टू टेक सच अ स्टेप जहाँ पे उन्हें ऐसे चेंजेस करने पड़े. नेपाल कह रहा है कि हमने जो ये चेंजेस किए हैं, हम इशू को सिंस 1997 उठा रहे हैं एंड इंडिया ने हमें ऑलवेज अश्योर किया है दैट दे विल बी रिजॉल्व बाय डिप्लोमेटिक मीन्स. लेकिन नेपाल ने पेशेंटली दे हैव वेटेड बट इंडिया हैज़ नॉट टेकन अ स्टेप. प्लस नेपाल कह रहा है कि जो आपको नॉर्मल से मुद्दे पता है ना, फॉर एग्जाम्पल आपको ट्रीटी ऑफ सगौली पता है, ठीक है, यू नो दैट देर आर इशूज अबाउट of Kali River, you know there are issues about periodic maps, लेकिन नेपाल कह रहे हैं और भी चीज़ें हैं that you should be seeing. वो कह रहे हैं you should look into नेपाल की voter list for those regions. प्लस वो कह रहे हैं यू शुड ऑल्सो चेक दी सेंसस रिकॉर्ड प्लस दी टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, देन आपको पता चलेगा कि क्या वो रीजन्स नेपाल के अंडर हैं या वो इंडिया के अंडर हैं. ऑल्सो नेपाल कह रहा है कि हम तो एब्सोल्युटली इन्हीं चीज़ों पे स्टिक करते, लेकिन हुआ क्या कि हमें इन्फॉर्म किया गया कि वंस बोथ कंट्रीज आर डन फाइटिंग कोविड इस चीज़ पे डिस्कशन होगा. लेकिन इन द मीन टाइम व्हाट हैपेंड इज देयर वाज इनॉग्रेशन ऑफ दिस रोड पासिंग थ्रू लिपुलेख बाय मिस्टर राजनाथ सिंह. तो उन्होंने बोला इससे हमें ये लगा कि कहीं ना कहीं इंडिया अपनी सुप्रीमेसी उस रीजन पे लख रहा है, इसलिए चाइना हैड टू टेक अ स्टैंड सो दैट दिस पर्टिकुलर थिंग कुड कम बैक इनटू डिस्कशंस. ठीक है जी. नाउ यहाँ पे नेपाल से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जा रही है कि क्या चाइना आपको बैकएंड कर रहा है. तो वो कह रहे हैं कि जितना स्पेशल है बायलेटरल रिलेशनशिप विद इंडिया, इंडिया विल हैव टू अंडरस्टैंड कि देयर इज सेम सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली बायलेटरल रिलेशनशिप विद चाइना एज वेल. सो नो वेयर इट इन्फ्लुएंसेज चाइना डिसीजन, बट येस इट हैज़ द सेम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट्स रिलेशन विद इंडिया. ठीक है जी. चलिए पर्टिकुलर टेम्पल की बात हुई है. मैम ने आज बिग न्यूज़ में कवर किया है, बहुत ही डिटेल में कवर किया है. गो बैक लिसन टू द न्यूज़ और फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो यू कैन ऑलवेज मेल अस और कॉल अस. ठीक है जी. चलिए दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों. ओके दोस्तों, बाय बाय.